नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, नोएडा से खबर, जहां गार्डन गलेरिया में हत्या का मामला, मृतक ब्रजेश राय की मौत की पत्नी पूजा पर के द्वारा एक बड़ा आरोप लगा है। पत्नी पूजा का एक बड़ा आरोप है इस मामले में, जहां पूजा ने कहा है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, अपने पति की तलाश करते हुए मैं खुद ही अस्पताल पहुंची, दोस्तों और पुलिस ने कुछ नहीं बताया, कोई किसी को इतना कैसे पीट सकता है कि उसकी मौत हो जाए। पत्नी पूजा ने ये सवाल उठाए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश जी की पत्नी पूजा जी। मैम, जो भी घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। आपको कैसे जानकारी मिली, क्या आपके पति के साथ जो दोस्त थे उन्होंने बताया, और आपके पति जब गए क्या बोल करके गए थे? बस यही बोल कर गए थे कि आज फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, लेट हो जाएगा। आपको जानकारी किसने दी कि ये तमाम चीज़? किसी ने भी मुझे कोई जानकारी नहीं दी। जब बहुत देर हो गई थी तो मैंने उनको ढूंढना शुरू किया कि 12 बज चुके हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए। मैम, उनके दोस्त भी उनके साथ थे, फिर भी ऐसी घटना हो गई, क्या कहेंगे आप? फिर दोस्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और जैसे दोस्त मेरे पति के हैं भगवान, वैसे दोस्त किसी को भी ना दे। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी दोस्त बनाने से पहले या किसी पे भरोसा करने से पहले ब्रजेश की कहानी को याद कर लेना। तो आपको लग रहा है कि उनके दोस्त, आपके पति के दोस्त उन्हें बचा सकते थे? हाँ, बचा सकते थे। आपने भी वो फुटेज देखी होगी जो झड़प की फुटेज है, उसको आपने देखा, तो आपको क्या लगा कि क्या हो सकता था अगर आप वहाँ होती तो, या फिर कुछ अच्छे दोस्त होते? वैसे थी तो अगर कुछ अच्छे और सेंसिबल समझदार दोस्त होते तो बीच बचाव करते, तो बात वहीं पर रुक जाती। मैम, आप अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है, क्या आपको लग रहा है कि ठीक है वो? क्योंकि इसमें सच्चाई बाहर नहीं आई है कि मेरे पति को मारा क्यों गया है, ऐसी कौन सी बात की थी मेरे पति ने, या ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनको ऐसे 6 लोगों के सामने पीट पीट कर मार दिया गया और 6 लोग बस देखते रह गए। मैम, इन्हीं दोस्तों ने आपके पति को बुलाया था पार्टी को? हाँ। मैम, अभी आप कह रही हैं कि ये जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? एक ऐसी कार्रवाई जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें मुझे पता चले कि मेरी पति की क्या गलती थी जिसके वजह से उनको मौत दे दी गई। मैम, और जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले। मैम, ये जो रेस्टोरेंट है उसके लिए आप क्या चाहती कि वहाँ के स्टाफ ने इस रेस्टोरेंट को बंद ही कर देना चाहिए? वहीं इस नोएडा पब मर्डर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान आ चुका है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गलेरिया के पब में यह हत्या हुई थी और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है नोएडा पुलिस। तो इस पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, 8 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। की एक और बड़ी खबर, जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी इस मामले में बयान आया है। उन्होंने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है, 8 लोगों पर अभी तक कार्रवाई हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गलेरिया के पब में यह हत्या हुई थी, जिसके बाद अब ये 8 लोगों पर कार्रवाई। यूपी पुलिस के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बीते दिनों कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कई ऐसे मामले पेश आए, जिसमें प्रयागराज में 5 लोगों का कत्ल होने की घटना आई, गोरखपुर में 3 हत्याकांड हुआ, नोएडा में एक युवक को पीट पीट करके मार डाला गया। तो इस तरह की सर घटनाओं को लेकर क्या कोई स्पेशल कोई डायरेक्शन दिए गए हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये तीनों घटनाएँ अलग अलग प्रकार की हैं। जो गोरखपुर में घटना हुई उसमें एक व्यक्ति ने प्रेम प्रसंग में लड़की को और उसके माँ बाप को मार दिया और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई और सभी को ये चीज़ें अवगत भी करा दी गई। नोएडा की घटना, वहाँ के एडिशनल एसपी ने सभी चैनलों को, एडिशनल डीसीपी ने बाइट दे रखा है कि बार के अंदर आपस में पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था और उसमें सीसीटीवी कवरेज मिल गया है और उसमें कुछ लोग आइडेंटिफाई भी हो गए, बहुत जल्दी उसमें गिरफ्तारी होगी। जहाँ तक कि प्रयागराज का प्रश्न है, उसके लिए वहाँ के एडीजी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है और बहुत जल्दी हम उस प्रकरण का भी सही खुलासा करेंगे। बड़ा प्रदेश है
और जो आपने देखा होगा कोई संगठित अपराध नहीं हो रहे हैं, जो आपसी रंजिश के कारण या अकस्मात झगड़े के कारण पारिवारिक विवाद के कारण जो घटनाएं हो जा रही हैं उस पर त्वरित कार्रवाई पुलिस कर रही है। अचानक से एकदम अपराध बढ़ने के ग्राफ बढ़ने की बात कही जा रही, कोई आप लोगों ने इस तरह का सर कुछ देखा क्या, क्यों आखिरकार घटनाएं एकदम से बढ़ गई हैं, कोई स्पेशल डायरेक्शंस दिए गए हों जिले के अधिकारियों को पुलिस कप्तानों को? देखिए इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही हैं, एक प्रॉपर जो पुलिसिंग का तरीका होता है वो सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रक्रिया फॉलो की जा रही हैं और बहुत ही माइन्यूट तरीके से इसके सुपरविज़न भी किया जा रहा है और संख्यात्मक दृष्टिकोण से कोई ऐसी अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास तो है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। नोएडा में हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गैलेरिया में पार्टी के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। पार्टी के दौरान गार्डन गैलेरिया में काम करने वाले युवकों से बिल को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद हत्या कर दी गई। मॉल में स्थित लॉस्ट लेमन पब की यह घटना है। युवक का नाम ब्रजेश राय था। वहीं पुलिस ने हत्या में अब 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर लॉस्ट लेमन बार के बाहर मौजूद है। ये वही बार है जहां पर सोमवार की रात को पार्टी करने आए ब्रजेश राय और उनके दोस्तों के साथ जो यहां पर मौजूद बाउंसर स्टाफ था, उन्होंने जमकर मारपिटाई की, जिसमें ब्रजेश राय की अस्पताल में मौत हो गई। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, बिल को लेकर रात करीब 11 बजे झगड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस को तो जो लॉस लेमन है उनकी तरफ से इतना नहीं दी गई, बल्कि जो बाउंसर्स और जो स्टाफ था उन्होंने मारपिटाई शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज़ की टीम देखिए यहाँ पहुंची है, सील कर दिया गया है, पुलिस की तरफ से लॉक है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन सवाल ये कि बाउंसर्स को क्यों रखा गया था, बाउंसर्स को रखा गया था? नोएडा में पब में हत्या पर एडीसीपी रणविजय सिंह का कहना है कि हत्या के मामले में 8 से 9 लोगों को इनके शामिल होने की खबर मिली, फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं। और वहीं बार को सील करने पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल पुलिस ने कब्जे में ले रखा है, नोएडा पुलिस की टीम अंदर है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और जल्द ही सारी बातें सामने आ जाएंगी। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय साहब मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम क्या था, क्या इंसिडेंट हुआ है? देखिए, जो बातें अब तक निकल कर आई हैं, हम लोगों ने जो उनके साथ गए थे लोग पार्टी करने, मृतक के साथ, उन लोगों से भी प्राइमरली कुछ पूछताछ बातचीत हुई है और बाकी जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ के स्टाफ, इन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है। तो उसमें यह था कि पैसों का विवाद हुआ और जो इनका बिल होता है उस बिल को लेकर कुछ विवाद हुआ और वह विवाद बाद में मारपीट में कन्वर्ट हुआ, उसी में उनको चोट लग गई और चोट लगने के बाद तत्काल उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था, वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें FIR भी दर्ज कर ली है, 302 में हमने FIR दर्ज की है और बाकी जो स्टाफ थे स्टाफ को हम लोगों ने राउंड अप किया है, 16 लोग हमारे पास हैं और उसमें से 8-9 लोगों की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारे पास एविडेंस के आधार पर क्लियर हुई है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, PMO की कार्रवाई चल रही है और हम लोग बाकी ओवरऑल जितने सारे एविडेंसेज हैं सबको ऐसी तरह से वेरीफाई करेंगे, देखेंगे और जो कंडीशंस हैं इस मॉल इस बार को रन करने के लिए हैं उसका कंप्लायंस कितना हो रहा था इसको भी देखेंगे और उसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें हमारे सामने आएगी उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल होगा। इसके सर, एक नामी बार है, लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, ऐसी कौन सी रकम थी जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ, कितनी मतलब पेमेंट कितनी थी जिसको लेकर इतना बड़ा इंसिडेंट? देखिए, मुझे लगता है कि पेमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि ऐसे मौक़ों पर, हालांकि अभी हम लोग फुटेज वगैरह लेना बाकी है, फुटेज वगैरह जब मिल जाएगा तो चीज़ें बहुत और भी क्लियर होंगी, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास है कि वो छोटी मोटी भी रकम होगी, कोई बहुत बड़ी रकम की तो के चांसेस नहीं है, बट चूंकि हीटेड आर्गूमेंट्स हुए होंगे उसके बाद संभवतः इस तरह की बातें हुई होंगी, बट हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कंक्रीट एविडेंसेस के लिए ना आ जाए। CCTV सामने आया है, आप लोगों ने उसको अपने कस्टडी में भी लिया है, क्या नज़र आ रहा है, क्या इनकी तरफ से मारपीट शुरू की गई या बाउंसर्स ने अचानक से हाथ छोड़ा? देखिए, हम लोगों ने CCTV फुटेज देखे हैं अभी और जो देखा है उसमें ऐसा लग रहा है कि मारपीट हो रही है और बाकी स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस जगह पर हुई, एक्चुअली क्या सिचुएशन था, वो बाकी के जो फुटेज वगैरह हुई जिसको हम लोग अभी कलेक्ट करने के प्रोसेस में लगे हैं उसको देखने के बाद ही हो पाएगा। और गिरफ्तारियां भी होनी है इसके अंदर, आपने बताया 8 जो आइडेंटिफाई हुए, जितने लोग वहां पर थे मौके पर, झगड़ा जब हुआ था, मारपीट जब हुई थी, वो सारे लोग तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं, बाकी अगर उसमें और कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है
हम उसको भी नहीं रख सकते। बाउंसर्स कहीं ना कहीं रखे जाते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लगता है कि अगर कोई झगड़ा भी हुआ था तो पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए था और इस तरीके से मारपीट आई, बिल्कुल ही मतलब एक गलत है। देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में एक्सपेक्टेड यही होता है कि वहाँ सिक्योर करेंगे एरिया को, किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो बेसिकली वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। बट अगर इस तरह से कोई एक्टिविटी करता है या कोई भी आदमी अपने जो उनकी ड्यूटीज है उससे अलग हट करके कोई बिहेवियर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर सील कर दिया गया है बार को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट है। हम लोग वहाँ पे हैं, हमारे लोग हैं, हमारे आईओ वहाँ पे हैं आसपास में और बाकी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही हमारा जो भी कार्रवाई एक्सपेक्टेड होगा उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो रणवीर जय साहब एडिशनल डीसीपी, जिनका कहना है कि 8 लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लिए हैं और भी गिरफ्तारियां होनी है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही है जो बाउंसर्स और सिक्योरिटी होती है उनका काम प्रिमाइसिस को सिक्योर करना, सिचुएशन से डील करना होता है, लेकिन इस तरीके से झगड़े के दौरान मारपीट आई नहीं जिसमें किसी एक शख्स की जान चली जाए। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है इस बाबत आपको लगातार जानकारी एबीपी गंगा पर मिलती रहेगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली के गड़ी पुख्ता थाने में पहुंचे दो आरोपियों ने अपराध से तौबा करते हुए भविष्य में अपराध ना करने की कसम खाई और अब थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 15,000 का इनाम घोषित था। दोनों आरोपी गोकशी के मामले में कई बार जेल भी जा चुके हैं और अब पुलिस के बढ़ते अपराधियों पर शिकंजे को देखते हुए दोनों अपराधियों ने हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचकर अपराध से तौबा कर ली है। दो अभियुक्त जो कि काउ स्लॉटर एक्ट में वांटेड थे, इनके द्वारा थाने गढ़ी पुख्ता में आकर खुद आत्मसमर्पण किया गया है। इनके ऊपर जनपद पुलिस द्वारा 15,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा पूर्व में की गई थी। आज इनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। ये खुद गले में तख्ती लगाकर पुलिस के सामने आए हैं और अपना सरेंडर दिया है। वहीं मऊ में रविवार के दिन दहाड़े बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लूट की कोशिश की। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात रानीपुर थाना क्षेत्र के खुरहट बाजार की है। दुकानदार ने एक आरोपी को तो मौके से पकड़ लिया, वहीं दो बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश दाखिल होते हैं और कैसे वहां मारपीट शुरू की जाती है। फिलहाल इनमें से एक को पकड़ा जा चुका है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, कानून व्यवस्था पर सीएम योगी कल बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी, सीओ और एसएचओ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल शाम 6 बजे ये बैठक होगी। तो जहां लगातार अपराध की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, कई मामले एक के बाद एक सामने आए हैं, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में एसएसपी, एसपी, सीओ, एसएचओ सभी शामिल रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल शाम 6 बजे ये बैठक होगी। खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दिन दहाड़े बदमाशों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई। इंदिरा नगर क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। पिकनिक स्पॉट जंगल के पास मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम लव बताया जा रहा है, जिसने दिन दहाड़े यहां गुडम्बा इलाके में अपने साथियों के साथ मिलकर कार सवारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पूरे उत्तर प्रदेश में मच गया था हड़कंप। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान इस मामले में लिया था और अब देखिए पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। ये वांछित है और अब इस मामले में जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुठभेड़ हुई थी जिस जगह पर और दिन दहाड़े ये मुठभेड़ होने से जहां अब हलचल बढ़ गई है। बदमाश बाइक पर सवार थे, ये बदमाश की बाइक भी मौके पर ही मौजूद है और आप देख सकते हैं पुलिस भी इस वक्त भारी संख्या में पहुंची हुई है इस घटना स्थल पर। उत्तर प्रदेश में जहां लगातार अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए पुलिस लगातार एक्टिव है और अब ये लखनऊ से पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ की तस्वीरें भी मिली हैं। इंदिरा नगर क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दिन दहाड़े इस मुठभेड़ होने से जहां हड़कंप है, और एक खबर
मुजफ्फरनगर से, जहां डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। दंपत्ति की धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई। खेत पर पति पत्नी का शव मिला है। जानसठ थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात हुई है, जहां पति और पत्नी का शव मिला है। मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। और अभिषेक बेनीवाल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अभिषेक, क्या कारण बताया जा रहा है इस हत्या का? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जानसठ के गांव कलवाड़ा का मामला है। ये पति पत्नी जो है, आज खेत में इनका शव मिला है। दोनों की गर्दन पे वार करके इनकी हत्या की गई है। कुछ दिन पहले इनके 151 पति पत्नी का चलान हुआ था। यहाँ का सूत्रों से मालूम चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ ये पता चल रहा है कि जो ये महिला है, ये कहीं जो पति है इसका, कहीं बाहर से लेके आया था इसको, मतलब शादी की थी, तो कहीं ना कहीं दूसरा जो था पक्ष, वो कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि भाई तुम इसको ऐसे क्यों खरीद के, तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी अंदेशा है कि इसको लेके ही ये हत्या की गई है। पुलिस जांच में जुटी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जी जी अभिषेक, कौन लोग इसमें आरोपी है और पुलिस क्या कार्रवाई अभी तक कर पाई है उन पर? पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले 151 में इनका चलान किया था कि ये मामला शांत हो जाए। उसके बाद गांव के ही कोई कुछ लोग हैं जिनसे जांच की सुई घूम रही है। कहीं ना कहीं पुलिस बहुत जल्दी ही इसका खुलासा कर देगी। ठीक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए अभिषेक। मेरठ के मबाना रोड को चौड़ा करने में रोड़ा बने घरों पर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की गई। लोगों ने मुआवजा लेने के बाद भी निर्माण नहीं हटाया था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई हुई। बता दें कि मबाना रोड पर 4 लेन का काम चल रहा है, जहां राजपुरा में लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। मवाना रोड के चौड़ीकरण में बाधा बने निर्माणों को एक एक करके धराशायी किया जा रहा है। 2 साल पहले इन लोगों को मुआवजा दे दिया गया था और चेतावनी देने के बाद नोटिस भी जारी कर दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने निर्माणों को नहीं हटाया। और आज देखिए, NHAI की जो टीम है वो यहां पर इनको धराशायी करने पे जुटी हुई है। करीब 7 बड़े जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर इनको धराशायी कर रहे हैं। एक एक करके जो निर्माण है उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, ढहाया जा रहा है। आज ना तो किसी को रियायत दी जा रही है और ना किसी को किसी तरीके की मोहलत दी जा रही है। ये तस्वीर आपने देखी कि जो पैराडाइज रिसोर्ट था उसको यहाँ पर ढा दिया गया है। दूसरी और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा उन तस्वीरों के लिए कि यहाँ एक एक करके जो निर्माण में बाधा बने हुए, जो सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बने हुए थे, उनको ढाया जा रहा है। करीब 7 से ज़्यादा जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, एक बार हम उन पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर लेते हैं और एक बार जान लेते हैं उनसे इस कार्रवाई के बारे में। थोड़ा सा सर ये जानना चाहूँगा, इस कार्रवाई के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की गई? कोई ऐसी खास तैयारी नहीं थी, पहले से इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका था ये जगह खाली करने के लिए, और कई सारे नोटिस भी दिए जा चुके हैं, मुआवजे भी दिए जा चुके हैं। फिर आज की तारीख भी दी गई थी कि अगर नहीं खाली करेंगे तो प्रशासन स्वयं आकर इसको खाली कराएगा। तो बड़ा अभियान चला है? बिल्कुल, बड़ा अभियान चला है। ये पूर्व में इनको नोटिस दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग ही ये अभियान चला है। अच्छा, आज किसी को कोई रियायत, कोई मोहलत नहीं है, आज सब हटा के जाएंगे? सबको पहले से सूचना दी जा चुकी थी कि इस तारीख को अगर आप स्वयं नहीं हटाएंगे तो हम लोग हटाएंगे। जिन लोगों ने अपना घर, जैसे सामने ये घर है, उन्होंने पीछे कर लिया है, इनको कोई भी डिमोलिश नहीं होगा। जिन्होंने नहीं हटाया उनकी उनका जगह डिमोलिश होगा और उसको वैकेट कराया जाएगा। तो देखिए, लोगों को बाकायदा नोटिस दिए जा चुके थे, उनको वो लोग मुआवजा ले चुके थे। कुछ लोग इतने समझदार थे कि उन्होंने पहले ही यहाँ से जो निर्माण बाधा बना हुआ था उसको खुद ही पीछे कर लिया था, लेकिन जो लोग नहीं जागे, नहीं चेते, नहीं अपने निर्माण हटाए, आज उनको जो बुलडोजर का पंजा है वो उन पर शिकंजा कस रहा है। और करीब ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा ऐसे निर्माण हैं जो मवाना रोड के चौड़ीकरण में बाधा बने हुए थे, आज NHAI की टीम उन सभी को हटा कर जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, ABP गंगा, मेरठ।